प्रेस दी लॉर्ड, सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। दोस्तों एक बार फिर नए वीडियो के साथ में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और साथ ही साथ मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं क्योंकि आज हम आपके सामने एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जो हमसे डिमांड किया गया था कि सबसे बड़ा पाप क्या है। मेरे मसीह भाई बहनों, आज हम पाप के विषय में जानेंगे कि सबसे बड़ा पाप क्या है जो हम परमेश्वर के विरोध में करते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मेरे मसीह भाई बहनों, पाप जो शब्द है वो बाइबल में 763 बार आया है। किसी बुजुर्ग ने भी कहा है कि पाप को हमारे सबसे अच्छे कर्मों में भी देखा जा सकता है। मतलब कि कुछ ऐसा काम जो हम कर रहे हैं जिससे लोग हमारी बड़ाई करते हैं तो हमारे मन में हमारी बड़ाई के लिए घमंड आ जाता है, तो यही घमंड पाप कहलाता है। मतलब हमारे अच्छे कामों में भी पाप को देखा जा सकता है। सो मेरे मसीह भाई और बहनों, आइए अब हम पाप के विषय में अध्ययन करें कि सबसे बड़ा पाप क्या है और पाप के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। नंबर वन, पाप क्या है? मेरे मसीह भाई बहनों, पाप का मूल अर्थ है लक्ष्य से चूक जाना। मतलब कि हम एक ऐसे लक्ष्य दिया गया और हम उसे पूरा नहीं कर पाए, मतलब चूक गए। पर बाइबल क्या कहती है पाप के विषय में? आइए हम पांच कारणों को जानेंगे कि सबसे बड़ा बाइबल में पाप क्या है और पाप के विषय में बाइबल क्या कहती है। नंबर वन, जब हम रोमियो की पत्री अध्याय 14:23 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर वचन हमें इस प्रकार बताती है, परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका है, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता और जो कुछ विश्वास से नहीं है वह पाप है। सो मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पर वचन कहती है कि जो कुछ विश्वास से नहीं है वह पाप है। यह एक ऐसा वचन है जो हमें हिला कर रख देता है। एवरीथिंग इज सीन विदाउट फेथ। यदि हमें मसीह पर विश्वास नहीं है तो फिर चर्च जाना भी बेकार है। यदि हमें यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास ही नहीं है तो फिर संगति करना बेकार है। यदि हमें यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास ही नहीं है तो फिर प्रचार करना भी व्यर्थ है। यदि हमें यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास नहीं तो फिर प्रार्थना करना व्यर्थ है। यदि हमें यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास नहीं तो फिर बाइबल पढ़ना भी व्यर्थ है। यदि हमें मसीह पर विश्वास ही नहीं तो उसकी आराधना करना भी व्यर्थ है। यदि हमें मसीह पर सच्चा विश्वास नहीं तो दान दशमांश देना भी व्यर्थ है। यदि हमें मसीह पर सच्चा विश्वास नहीं तो फिर उपवास करना, गरीबों को मदद करना भी व्यर्थ है। विदाउट फेथ एवरीथिंग इज वैनिटी। बिना विश्वास सब कुछ पाप है। और मेरे मसीह भाई बहनों, ये मैं नहीं बल्कि वचन कह रही है कि जो कुछ बिना विश्वास से है वह सब पाप है। तो जो परमेश्वर का वचन है जो हमें ये बताती है कि वह जो विश्वास से नहीं है वह पाप है। तो बाइबल में सबसे बड़ा पाप क्या है कि हम यदि विश्वास हमारे अंदर नहीं है तो सब कुछ पाप है। और जब हम याकूब की पत्री अध्याय 4:17 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर बाइबल बताती है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता है उसके लिए यह पाप है। सो मेरे मसीह भाई और बहनों, यहाँ पर वचन कहती है, यहाँ पर ये साफ वचन हमें बता रही है कि यदि हमारे पास किसी को भलाई करने के लिए कुछ है तो निश्चित रूप से हमें एक दूसरे के साथ भलाई करना चाहिए क्योंकि यह उचित है। मान लीजिए हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उसे हमारी मदद की जरूरत है, पर आप जानते हुए भी भलाई नहीं उसके साथ कर रहे हैं तो ये पाप में बदल जाता है। तो हमारे पास क्षमता है किसी को मदद करने के लिए, यदि हम नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए पाप साबित होता है। और हम मसीह लोगों को चाहिए कि जहां तक हो सके हमें एक दूसरे के साथ भलाई करना चाहिए। तो याकूब 4:17 से हमें ये पता चलता है कि ज्ञात भलाई नहीं करना भी पाप है। मतलब कि हमारे पास किसी को मदद करने के लिए कुछ है और यदि हम नहीं कर रहे हैं तो ये भी हमारे लिए एक पाप साबित होता है। और ये मैं नहीं परंतु बाइबल का वचन कहती है। और जब हम 1 यूहन्ना की पत्री अध्याय 3:4 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर बाइबल बताती है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। सो मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पर वचन हमसे बता रही है कि यदि हम पाप करते हैं तो सबसे पहले हम किसी दूसरे के विरोध में नहीं परंतु स्वयं परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं। लेकिन यहाँ पर वचन कहती है कि यदि हम पाप करते हैं तो परमेश्वर के व्यवस्था का विरोध करते हैं। मतलब जो विधि और व्यवस्था परमेश्वर ने मूसा को दिया था उसके विरोध हम करते हैं, मतलब कि परमेश्वर का वचन का विरोध करते हैं। सो वचन यहाँ पे कहती है कि पाप, मतलब
पाप जो है वह व्यवस्था का विरोध है। तो पाप करना व्यवस्था का विरोध करना है। तो पहला यूहन्ना 3:4 से पता ये चलती है कि पाप जो है वह व्यवस्था के विरोध में है। और जब हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 5:17 में, तो यहाँ पर बाइबल बताती है, सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं है। सो मेरे मसीह भाई और बहनों, यहाँ पर वचन कहती है कि सब प्रकार के अधर्म, सब प्रकार के गलतकार, सब प्रकार के झूठ, सब प्रकार के छोटा छोटा पाप क्या है? अधर्म है। हम थोड़ा सा पाप करें या बड़ा सा पाप करें, परमेश्वर के निकट पाप पाप ही है। आजकल के मसीह झूठ बोलते हैं, पोर्न वीडियोस देखते हैं, लड़कियों से गंदी चिटचैट करते हैं, गंदे मजाक करते हैं, भद्दे तरीके से बोलते हैं और कहते हैं कि थोड़ा बहुत झूठ, थोड़ा बहुत भद्दा मजाक, इतना तो चलता ही रहता है। लेकिन वो ये नहीं समझते कि पाप थोड़ा है या बड़ा है, परमेश्वर के निकट पाप है। सो बाइबल कहती है सभी गलतकार, छोटा भी हम गलत काम करें या बड़ा भी गलत काम करें, बाइबल बताती है सभी प्रकार के जो अधर्म है वो पाप है। और जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पत्री अध्याय 16:19 में, तो यहाँ पर पाप के विषय में बाइबल बताती है, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। सो मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पर वचन स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यीशु पर विश्वास नहीं करना एक भयंकर पाप है। एक व्यक्ति, मान लीजिए कि एक व्यक्ति कहता है कि मैं मसीह पर पूरा पूरा विश्वास करता हूँ, लेकिन वो प्रत्येक दिन जानबूझकर पाप करता है, प्रत्येक दिन पोर्न वीडियोस देखता रहता है, प्रत्येक दिन अपने शरीर के द्वारा व्यभिचार करता है, प्रत्येक दिन चुगलियां मारता है, प्रत्येक दिन जानबूझकर झूठ बोलता है, पैसों से ज्यादा प्रेम करता है, लड़कियों के पीछे भागता रहता है और भी बहुत सारे प्रकार का पाप वो करता है, तो क्या वह सही मायने में मसीह पर विश्वास करता है? नहीं, क्योंकि उसके जीवन में पाप है, वो लगातार पाप में जीवन जी रहा है। और यदि एक मनुष्य के अंदर पाप है और पाप में मगन रहना उसे अच्छा लगता है, तो वो यीशु पर सच्चा विश्वास नहीं करता। यहाँ पर हमें वचन कहती है कि पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। तो यदि हम मसीह पर सच्चा विश्वास ही हम नहीं करते हैं, तो फिर वही बात हो जाता है, चर्च जाना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, एवरीथिंग इज सिन विदाउट फेथ। तो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करना भी एक प्रकार का भयंकर पाप है। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।